हेलो, गुड मॉर्निंग। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में हम विचार कर रहे थे। आपने देखा था कि स्क्रीन के ऊपर दो इमेज के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक सी पर बनता था उन रेज के कारण जो अनडिफ्रैक्टेड होती हैं, और वे रेज जो डिफ्रैक्टेड होती हैं बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो उनके कारण इमेज पी पर बनती है। अब पी पर ये बनने वाली इमेज की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो डिफरेंट कंडीशंस को हम जानने का प्रयास कर रहे थे। तो पहले हम निकालना है कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमम, और उसके लिए देखा था कि वहाँ पर आर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और यह आर की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी ए के बराबर आएगी, और ये तब आएगी जब अल्फ़ा की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। क्योंकि अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो के करेस्पॉन्डिंग द एम्पलीट्यूड विल हैव ए मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्सिमम एंड देयर बाई द करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी विल आल्सो बी मैक्सिमम, और इसको हम आई मैक्सिमम या आई जीरो कहते हैं। आई जीरो इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम एंड इट विल हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, और आई जीरो की वैल्यू आर मैक्सिमम स्क्वायर के बराबर होगी। आर मैक्सिमम ए के बराबर है, इसलिए आई जीरो की वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर आएगी। ये ध्यान रखेंगे कि आई जीरो कब मिलेगा, जब अल्फ़ा की वैल्यू जीरो होगी। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा के बराबर होती है, और अल्फ़ा की वैल्यू जीरो जब होगी तो हमें प्रिंसिपल मैक्सिमम प्राप्त होगा, और जिसकी इंटेंसिटी आई जीरो आएगी। अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो के लिए प्राप्त होना चाहिए, पाई कांस्टेंट है, ई विड्थ ऑफ द स्लिट है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट है, इसलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो होने के लिए थीटा की वैल्यू फिर जीरो होना चाहिए। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू जीरो द प्रिंसिपल मैक्सिमम विल बी ऑब्टेंड, जिसकी इंटेंसिटी आई जीरो या ए स्क्वायर के बराबर होगी। थीटा इज इक्वल टू जीरो का अर्थ है सी बिंदु पर, तो पी बिंदु विल जस्ट लाई एट द पॉइंट सी, एंड एट द पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन फॉर विच द थीटा इज इक्वल टू जीरो विल बी गेटिंग द प्रिंसिपल मैक्सिमम विथ इंटेंसिटी आई जीरो, जिसकी वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर होगी। अब ये देखा जाए, ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है, सदैव ये प्रिंसिपल मैक्सिमा थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएँ बलती रहेगी, या इसकी वैल्यू कम अधिक होगी। तो देखो, यहाँ थीटा की वैल्यू बदलोगे तो साइन थीटा की वैल्यू बदलेगी, इसका मतलब कंडीशन बदलती हुई जाएगी। तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल मैक्सिमम विल सिंपली लाई एट द लोकेशन अल्फा इज इक्वल टू जीरो और थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अब दूसरी बात हम पता करते हैं, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर मिनिमा, और कंडीशन फॉर मिनिमा फिर निकालने के लिए हम उसी एक्सप्रेशन आर के लिए स्टार्ट करेंगे। आर को जानते हो, आर की वैल्यू ए साइन अल्फा बाई अल्फा है। आर की वैल्यू मैक्सिमम जब हुई उसके लिए कंडीशन आपने निकाला तो प्रिंसिपल मैक्सिमम प्राप्त हुआ। आर की वैल्यू यदि मिनिमम है या जीरो है तो इंटेंसिटी जीरो प्राप्त होगी, मिनिमा प्राप्त हो जाएगा, और मिनिमा प्राप्त करने के लिए फिर कंडीशन आपकी हो जाएगी कि ए साइन अल्फा बाई अल्फा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यदि न्यूमरेटर में साइन अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाए तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी तो आई जीरो प्राप्त हो गया, और मिनिमम इंटेंसिटी हमको प्राप्त होगा जीरो, और ये तब प्राप्त होगा जबकि साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो होने का अर्थ ये है कि अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। साइन जीरो जीरो हम जानते हैं, एम इज इक्वल टू जीरो। साइन पाई हम जीरो जानते हैं, एम इज इक्वल टू वन, एंड दिस विल अकर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पॉइंट सी, प्लस पाई के लिए, प्लस टू पाई के लिए, प्लस थ्री पाई के लिए ऑन द राइट हैंड साइड एंड आल्सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, ये मिनिमा अकर करेगा। एक्सप्रेशन है आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फा बाई अल्फा। अल्फा की वैल्यू आपने प्लस माइनस एम पाई मान लिया, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू जीरो इज ए कंडीशन फॉर द गेटिंग ए प्रिंसिपल मैक्सिमम, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू एम इज इक्वल टू जीरो से नहीं स्टार्ट होगी। यदि एम इज इक्वल टू जीरो हम रख लें तो अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड व्हेन द वैल्यू फॉर अल्फा इज इक्वल टू जीरो
विल बी गेटिंग द कंडीशन फॉर द प्रिंसिपल मैक्सिमम। तो इसलिए यम की वैल्यू जीरो से ना स्टार्ट हो करके यम विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अब अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं पाई साइन थीटा बाई लैम्डा होता है, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। ध्यान रखेंगे कि एम की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, एक से, 1, 2, 3, 4, क्योंकि एम की वैल्यू यदि जीरो ले लें तो दैट विल करेस्पॉन्ड टू ए कंडीशन फॉर गेटिंग ए प्रिंसिपल मैक्सिमम। तो इस तरह से ई साइन थीटा पाई पाई विल कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। सो द कंडीशन फॉर गेटिंग द मिनिमा इज अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, बारिंग या एक्सक्लूडिंग एम इज इक्वल टू जीरो एंड इंक्लूडिंग एम इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 वन सो फोर। सो फर्स्ट मिनिमा विल अकर फॉर एम इज इक्वल टू 1 प्लस पाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ सी एंड माइनस पाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी। देन आफ्टर फर्स्ट मिनिमा देयर विल बी ए सेकेंड मिनिमा फॉर एम इज इक्वल टू 2 प्लस 2 पाई पर मिनिमा आएगा, माइनस 2 पाई पर मिनिमा आएगा। यह ऑब्वियस है कि प्लस पाई पर मिनिमा है अल्फा इज इक्वल टू, और फिर प्लस 2 पाई अल्फा इज इक्वल पर फिर मिनिमा है, तो इन दो मिनिमा के बीच में ऐसे ही 2 पाई पर मिनिमा है सेकेंड मिनिमा, 3 पाई पर थर्ड मिनिमा आएगा, तो सेकेंड और थर्ड मिनिमा के बीच में कहीं न कहीं एक और मैक्सिमा आएगा, और इस जो मैक्सिमा पहले मिनिमा और दूसरे मिनिमा के बीच में आ रहा है इसको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो अब देखो ये कंडीशन हम जो अब तक कंसीडर किए हैं, वन इज़ द कंडीशन करेस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल मैक्सिमम, और प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए कंडीशन आई अल्फा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज आल्सो थीटा इज इक्वल टू जीरो। फिर मिनिमा के लिए कंडीशन हमने निकाला और मिनिमा के लिए कंडीशन आया है अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, बारिंग एम इज इक्वल टू जीरो। एम इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 के लिए फिर मिनिमा की वैल्यू आएगी, और दो मिनिमा के बीच में फिर एक मैक्सिमा फिर आएगा, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगी, PDF मैं आपको भेज चुका हूँ, ये सब चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई द सेकेंड मिनिमा एंड थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये मिलता हुआ चला जाएगा। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम कैसे निकालेंगे, पहला मिनिमा और दूसरे मिनिमा के बीच में मिनिमा आ रहा है, फिर जीरो होकर के मिनिमा आ रहा है, इसके बीच में कहीं ना कहीं एक मैक्सिमा आ रहा है, तो उसके लिए कंडीशन हम फिर ऐसे निकालते हैं, हाउ द इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न एट द पॉइंट पी इज बैरिंग विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्योंकि ग्राफ खींचा जा रहा है आई वर्सेज अल्फा में। आपने देखा प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए आई की वैल्यू मैक्सिमम है, आई जीरो के बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू जीरो पर, आई की वैल्यू जीरो है अल्फा इज इक्वल टू पाई पर, आई की वैल्यू जीरो है अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई पर ऑन बोथ द साइड, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, इस पर मिनिमा, और दो मिनिमा के बीच में जो सेकेंडरी मैक्सिमा आएगी उसके लिए कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा टू बी इक्वेटेड टू इक्वल टू जीरो, इससे इक्वेट कर दें तो फिर कब इंटेंसिटी सेकेंडरी मैक्सिमा की आएगी, वो कहाँ लोकेट करेगी, अल्फा की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली कितनी आएगी, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। आई के लिए एक्सप्रेशन हमको पता है, आई को अल्फा के साथ इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी अल्फा ऑफ आई, और आई जानते हो आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू आप जानते हो ए साइन अल्फा बाई अल्फा है, तो आर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा होल स्क्वायर, इट हैज़ टू बी डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के संदर्भ में आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, बहुत आसान है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद इतना एक्सप्रेशन हमको प्राप्त होगा आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन के बाद इतनी वैल्यू हमको प्राप्त होगी। ये
ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर लिया जा सकता है। साइन अल्फा बाई अल्फा को होल स्क्वायर है, पहले इसको एक्स एक टर्म मान लें तो टू एक्स के बराबर आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाई अल्फा, और फिर साइन अल्फा बाई अल्फा है तो फर्स्ट टर्म डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई द अल्फा स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर, और इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। अब हमको इक्वेट करना है डी आई बाई डी अल्फा की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। ए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए स्क्वायर इज द इंटेंसिटी आई जीरो ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम। टू साइन अल्फा बाई अल्फा, अल्फा की वैल्यू जीरो हो तो प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा, अल्फा की वैल्यू पाई टू पाई थ्री पाई प्लस माइनस हो तो मिनिमा प्राप्त होगा। तो एक ही कंडीशन है, अल्फा स्क्वायर जीरो हो नहीं सकता, प्रिंसिपल मैक्सिमम मिल जाएगा। तो अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा दिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, और जब इसको हम जीरो करते हैं न्यूमरेटर के इस पार्ट को, लेटिंग दिस टू बी इक्वल टू ज़ीरो, तो देखो मिल जाता है। हम इसको जीरो करेंगे, अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो। साइन अल्फा को ट्रांसफ़र करोगे, कास अल्फा से भाग दोगे तो अल्फा की वैल्यू टेन अल्फा के बराबर आ जाएगी। सो अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज़ द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ विच द लोकेशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कैन बी ऑब्टेंड। अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, अल्फा की वैल्यू आप जानते हो पाई ई साइन थीटा बाई लैम्डा। ऐसी वैल्यू अल्फा की चुनी जाए कि उसका यदि टेंजेंट अल्फा लिया जाए तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू अल्फा के बराबर आ जाए। यदि एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से निकाला जाए तो वो अल्फा की वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता हो वह कंडीशन दे देगा सेकेंडरी मैक्सिमा का। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, दो पार्ट में इसको बांट लेते हैं। द वन इज वाई इज इक्वल टू अल्फा एंड द अदर इज वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया वाई इज इक्वल टू अल्फा, वाई इज ए न्यू टर्म सेलेक्टेड एंड वाई इज अगेन इक्वल टू टेन अल्फा, ऐसा हमने मान लिया। अब ये दो कर्व हो गए, वाई इज इक्वल टू अल्फा इज ए स्ट्रेट लाइन कर्व, वाई को अल्फा के अगेंस्ट प्लाट करें तो स्ट्रेट लाइन कर्व 45 अंश के कोण का प्राप्त होगा विथ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो। वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा, वाई को टेन अल्फा के साथ खींचें और करेस्पॉन्डिंग टेन अल्फा की कितनी वैल्यू आएगी निकाल लें, तो वाई को टेन अल्फा के साथ भी खींच सकते हो। और इन दोनों कर्व्स, जो दो कर्व हमको मिलेंगे, इन दो कर्व्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होंगे, द कॉमन पॉइंट इन बिटवीन द टू कर्व्स जो होंगे, दैट विल बी द सोल्यूशन करेस्पॉन्डिंग टू अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। और जो सोल्यूशन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा होगा वही हमको कंडीशन देगा फॉर द अकरेंस ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम। तो पहले देखिए ये दोनों कर्व किस तरह के आते हैं। y इज इक्वल टू अल्फा हम खींचते हैं, देखिए ऑन दिस एक्सिस y एक्सिस द y, ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ अल्फा हैज बीन प्लॉटेड। y इज इक्वल टू अल्फा को प्लॉट करें तो देखो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो एक कर्व तो हमको प्राप्त हो गया y इज इक्वल टू अल्फा के करेस्पॉन्डिंग। y इज इक्वल टू टेन अल्फा को प्लॉट करने, इधर अल्फा है, जो आपने अल्फा लिया उसका टेन अल्फा ले लें तो टेन जीरो इज ज़ीरो, तो ये एक ओरिजिन से पास हुआ और टेन का जो वेरिएशन होता है उसके करेस्पॉन्डिंग ये कर्व आएगा टेन नाइन्टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो दिस विल मूव पैरेलल टू द वाई एक्सिस, विल कट वाई एक्सिस एट इन्फिनिटी। और निगेटिव साइड में भी यदि जाएँ तो टेन माइनस नाइन्टी के लिए इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये कर्व है टेन का, कॉमन पॉइंट इन दोनों के बीच में ओरिजिन आता है। एक कर्व है स्ट्रेट लाइन, दूसरा कर्व है टेंजेंट का कर्व, इसके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कॉमन पॉइंट अल्फा इज इक्वल टू जीरो है एंड अल्फा इज इक्वल टू जीरो इज ए कंडीशन करेस्पॉन्डिंग टू गेटिंग प्रिंसिपल मैक्सिमम। तो निश्चित ही अल्फा इज इक्वल टू जीरो पर सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं मिलेगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अल्फा की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, टेन पाई इज अगेन इक्वल टू ज़ीरो, अल्फा इज इक्वल टू पाई तो टेन पाई इज इक्वल टू ज़ीरो, पाई को बढ़ाते जाएं टेन थ्री पाई बाई टू पर फिर ये इन्फाइनाइट हो जाएगा और फिर ऐसे ही
टेन 90 पर इन्फाइनाइट होगा तो ये कर्व हमको प्राप्त होगा। जब इस कर्व को हम कंसीडर करते हैं तो कर्व नंबर वन इज ए स्ट्रेट लाइन कर्व और ये कर्व नंबर टू है वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो देयर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन बिटवीन कर्व वन एंड कर्व टू वाई इज इक्वल टू अल्फा और वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा के बीच में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि आ गया तो इसका मतलब दिस इज द कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू कर्व्स वाई इज इक्वल टू अल्फा एंड वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा के बीच का ये कॉमन पॉइंट है। सो दिस विल गिव ए कंडीशन करेस्पॉन्डिंग टू द अकरेंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम और ये सेकेंडरी मैक्सिमम विल कम एट अल्फा इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू। ऐसे ही निगेटिव साइड पर यदि जाएँ तो ये वाई इज इक्वल टू अल्फा का कर्व है, ये वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा का कर्व है, तो टेन अल्फा माइनस थ्री बाई बाई टू पर 90 होगा, इन्फिनिटी चला जाएगा और इसलिए देयर विल बी ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हीयर आल्सो एट माइनस थ्री पाई बाई टू। सो द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा विल अपीयर एट थ्री पाई बाई टू फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू थ्री पाई बाई टू ऑन द राइट हैंड साइड एंड द वैल्यू फॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू ऑन द नेगेटिव साइड। सो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू इज द कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। और ऐसे ही कंसीडर करें तो फिर ये कट करेगा फाइव बाई टू पर, कर्व वन और कर्व टू एक दूसरे से कैंसिल कट करेंगे, कॉमन पॉइंट इनके बीच में आ जाएगा, तो दैट विल आल्सो बी ए सोल्यूशन फॉर गेटिंग द कंडीशन ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी ऑब्टेंड फॉर अल्फा इज इक्वल टू फाइव पाई बाई टू ऑन द पॉजिटिव साइड एंड ऑन द नेगेटिव साइड आल्सो फॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू पाई बाई टू देयर विल बी ए कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पर सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, ऐसे ही माइनस सेवन पाई बाई टू देयर विल बी ए कॉमन पॉइंट, देयर विल बी इंटरसेक्शन इन बिटवीन द कर्व वन एंड द कर्व टू प्लस सेवन पाई बाई टू एंड लाइकवाइज एट माइनस सेवन पाई बाई टू देयर विल बी ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन बिटवीन कर्व वन द स्ट्रेट लाइन एंड टेन का अल्फा कर्व। तो इस तरह से सेकेंडरी मैक्सिमा जो आएगा, द सेकेंडरी मैक्सिमा विल अपीयर फॉर द वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू जीरो एक तो कॉमन पॉइंट आया, मैंने बताया आपको कि ये कंडीशन है प्रिंसिपल मैक्सिमम की, तो इसलिए इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा विल कम एट प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम विल कम एट प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, जैसा कर्व के संदर्भ में हमने डिस्कस किया, दोनों कर्व, कर्व वन इज ए स्ट्रेट लाइन कर्व, द कर्व टू इज करेस्पॉन्डिंग टू द टेंजेंट वेरिएशन, तो ये यहाँ यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा विल अपीयर एट प्लस माइनस सेवन पाई बाई टू, प्लस माइनस नाइन पाई बाई टू एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह से ये हमको सेकेंडरी मैक्सिमा प्राप्त होगा। मैं फिर यहाँ आपको रिपीट कर दूँ थोड़ा सा, अल्फा इज इक्वल टू जीरो इज ए कंडीशन करेस्पॉन्डिंग टू गेटिंग ए प्रिंसिपल मैक्सिमा, अल्फा इज इक्वल टू जीरो मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो पर ये प्रिंसिपल मैक्सिमम प्राप्त होगा और इंटेंसिटी इसकी आएगी अल्फा जीरो आई जीरो आर मैक्सिमम स्क्वायर आई जीरो ए स्क्वायर। सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए कंडीशन या इसके पहले मिनिमा की कंडीशन आ गई, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस टू पाई, प्लस माइनस थ्री पाई द वैल्यू फॉर अल्फा फॉर गेटिंग मिनिमा, और फिर मिनिमा के बीच में जो सेकेंडरी मैक्सिमा आएगी उसके लिए कंडीशन हो गई अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस सेवन पाई बाई टू, ये सेकेंडरी मैक्सिमम प्राप्त होगा। सो वी गेट ऑल द थ्री कंडीशंस, अल्फा इज इक्वल टू जीरो इज ए कंडीशन करेस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल मैक्सिमम, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई बट नॉट एम इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन सो फोर्थ इज कंडीशन फॉर मिनिमा, एंड अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू
plus minus 5 pi by 2 plus minus 7 pi by 2 is the condition for getting secondary maxima. हम जब कर्व कंसीडर करें दिस कर्व तो एक्चुअली ये 3 पाई बाई 2 पर एग्जैक्टली कट नहीं करता, इंटरसेक्ट नहीं करता, 3 पाई बाई 2 से थोड़ा पहले रफली इसको हम 3 पाई बाई 2 ही मान सकते हैं, मानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन ये 3 पाई बाई 2 से थोड़ा कम होता है, 5 पाई बाई 2 से थोड़ा सा कम होता है, 7 पाई बाई 2 से थोड़ा कम होता है, और जैसे जैसे थोड़ा कम होता है ये अंतराल घटता हुआ चला जाता है जैसे वैल्यू इसकी बढ़ती है। तो एक्चुअल में होता ये है कि अल्फा की वैल्यू आती है 0 प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए, पाई 2 पाई 3 पाई प्लस माइनस फॉर मिनिमा के लिए, और ये 1.5 ना हो करके 3 पाई बाई 2 1.5 तो 1.5 से थोड़ा कम, इसकी वैल्यू 1.43 पाई आता है। 5 पाई बाई 2 2.5 हुआ, 2.5 से थोड़ा कम प्लस माइनस 2.46 पाई आता है। 7 पाई बाई 2 3.5 पाई 3.5 से थोड़ा कम 3.47 पाई आता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 ही मानते हैं और उसी को दृष्टिगत रखते हुए सारे कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान रखिए अल्फा इज इक्वल टू 0 इज ए कंडीशन फॉर गेटिंग प्रिंसिपल मैक्सिमम। देखो ये लिखा भी है, आउट ऑफ दीज अल्फा इज इक्वल टू 0 इज द कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम, और उसकी इंटेंसिटी वैल्यू कितनी आ गई, आई ज़ीरो ए स्क्वायर आर मैक्सिमम स्क्वायर फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई पाई बाई 2 गिव्स द लोकेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, देन सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम, देन थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस ढंग से ये कंडीशन हमको प्राप्त होती हुई चली जाएगी। अब ये सेकेंडरी मैक्सिमम जो प्राप्त हुआ, मैं फिर इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, हमको एक प्रिंसिपल मैक्सिमम प्राप्त हुआ, इंटेंसिटी है उसकी आई ज़ीरो, अल्फा इज इक्वल टू 0 पर प्राप्त हुई, बिंदु सी पर स्क्रीन पर प्राप्त हुई थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए। देन मिनिमा वी आर गेटिंग द इंटेंसिटी एट मिनिमा इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज आर इज इक्वल टू 0। देन द सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी यदि हम आई 1 मान लें, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी आई 2 मान लें, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी यदि आई 3 मान लें, तो इस तरह से प्रिंसिपल मैक्सिमम की जो इंटेंसिटी आई 0 आई है उसके संदर्भ में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की कितनी इंटेंसिटी आएगी कैलकुलेट की जा सकती है। आई 1 इज इक्वल टू द इंटेंसिटी इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर, तो साइन अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर इट इज़ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम आती है प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 अल्फा वैल्यू के लिए। तो अल्फा की जगह पर आपने प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 रखा, साल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 बाई 9 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम आई ज़ीरो, सो इट इज़ 4 बाई 9 पाई स्क्वायर आई ज़ीरो। कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू तो ये करीब करीब आई ज़ीरो का 22 गुना कम होता है, इट इज़ 22 टाइम्स लेस। सो द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम इज़ 22 टाइम्स लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम। आई ज़ीरो इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम, इससे 22 गुना कम होती है। और या आई वन और आई ज़ीरो का रेशियो निकालना चाहे, आई वन इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम आई ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू 4 बाई 9 पाई स्क्वायर ये प्राप्त होगा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम ये 4 बाई 9 पाई स्क्वायर आएगा। ऐसे ही आई टू द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम आई टू एक्सप्रेशन लिखेंगे
अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 5π/2 है, जिसके लिए सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम आएगा। सब्स्टिट्यूट किया तो साइन 90 इज 1, साइन 5π/2 इज आल्सो 1। स्क्वायर करना है तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय 25π², तो 4/25π² ए स्क्वायर इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम I0। सो इन टर्म्स ऑफ I0, 4/25π² इट इज I0 डिवाइडेड बाय 62। सो इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम इट इज 62 टाइम्स लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम। या I2 और I0 का रेशियो वैसे ही निकालें, द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम विथ रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम इट इज 4/25π². और पहले का आया है 4/9π². थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम का निकालें I3, ऐसे ही एक्सप्रेशन लिखेंगे। थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम प्लस माइनस 7π/2 पर आता है, कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/49π² I0। 121 टाइम्स इंटेंसिटी इसकी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम। फिर यहाँ भी I3/I0 का रेशियो निकाल सकते हो, तो I3/I0 की वैल्यू 4/49π² आ जाएगा। और इसलिए इन सब को रेशियो को विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल मैक्सिमा द इंटेंसिटी ऑफ I0/I द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा टू प्रिंसिपल मैक्सिमा इट विल बी 1। द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, द थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा टू प्रिंसिपल मैक्सिमा इट विल बी इक्वल टू 1:4/9π². पहले 9πi² आया है, इसके बाद से 4/25π² हियर, 4/25π² एंड देन 4/49π² ये आएगा। आगे का और निकालें तो देखो ये 3, 5, 7 का स्क्वायर, तो कितने का स्क्वायर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर, 4/81π² एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये स्थित होगी। दिस विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी I0 प्राप्त हो गई, मिनिमा की इंटेंसिटी 0 आपको प्राप्त हो गई, पाई पर आएगा, प्लस माइनस पाई पे आएगा। प्रिंसिपल मैक्सिमम का देखो इंटेंसिटी अगेंस्ट आल्फा हमने खींचा, आल्फा इज इक्वल टू 0 पर प्रिंसिपल मैक्सिमम आएगा। प्रिंसिपल मैक्सिमम और मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा आ रहा है माइनस पाई पर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस पाई पर आ रहा है राइट हैंड साइड। तो टोटल स्पैन इन टर्म्स ऑफ आल्फा ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम इज माइनस पाई टू प्लस 2π। पाई पर 0 है मिनिमा है, 2π पर भी 0 है, और बीच में आपने देखा 3π/2 पर ये मैक्सिमा आएगा, और थोड़ा सा कम होता है तो ये कर्व हो गया फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। आपने देखा था इसकी इंटेंसिटी 22 गुना कम हो जाती है, फिर दिस इज द सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, लगभग 62 गुना कम हो जाती है, फिर इंटेंसिटी आएगी और कम हो जाएगी, 121 गुना कम हो जाती है। सो दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न विच विल बी ऑब्टेन्ड इन द केस ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में यह इंटरफेरेंस पैटर्न आपको प्राप्त हो गया। सेकेंडरी मैक्सिमा इसलिए कहते हैं कि इंटेंसिटी बड़ी तेज़ी से घटती जाती है, और जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ाओगे और तेज़ी से घटती हुई चली जाती है, और फिर बाद में बिल्कुल डिमनिश हो जाती है, फिर उसके बाद से दिखाई नहीं देता है, ये स्थिति बनती है। और इस तरह से आप प्रिंसिपल मैक्सिमम फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई इन टर्म्स ऑफ अल्फा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 1 इज फ्रॉम पाई टू 2π एंड द अदर इज फ्रॉम माइनस पाई टू माइनस 2π, तो यही लिखा है। सेकेंड फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम अल्फा इज इक्वल टू प्लस पाई टू प्लस 2π एंड माइनस पाई टू माइनस 2π, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा अल्फा इज इक्वल टू प्लस 2π टू प्लस 3π
on the right hand side and minus 2 pi to minus 3 pi on the left hand side. It is obvious from equation 8 that for fixed values of n, m and lambda, if e decreases then theta will increase. यदि हम e की वैल्यू घटाएंगे, स्लिट की विड्थ कम करेंगे, स्लिप की विड्थ कम करेंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी. यह एक्सप्रेशन से, अल्फा के एक्सप्रेशन से ऑलरेडी स्पष्ट है कि यदि m और लैम्डा को फिक्स्ड रखा जाए, e की वैल्यू घटाएंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी, थीटा विल इंक्रीज, ऐसा होता हुआ चला जाएगा. सो दिस इज ऑल एज फार एज द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज कंसर्न. So this is all for today. Thank you very much.